नमस्कारम, स्वागत है आपका जंगली रमी स्कूल में। आज हम आपको दिखाएंगे जंगली रमी के टेबल पर कैसे खेला जाता है। दोस्तों, यहाँ दिखाए गए अनेक बटन और ऑप्शंस में कब और कैसे किसको इस्तेमाल करना है ये हम आपको बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये सबसे बेस्ट, सेफ और सबसे ज्यादा सिक्योर्ड टेबल है। 3 करोड़ से ज्यादा प्लेयर्स खेलते हैं जंगली रमी के टेबल्स पर और हर एक प्लेयर असली KYC सर्टिफाइड प्लेयर। दोस्तों, आपके द्वारा खेले जाने वाला हर एक गेम 100% यानी कि 100% सुरक्षित है और सिक्योर है। तो आप निश्चिंत रहें और सिर्फ अपने गेम को बेहतर बनाने की कोशिश में लगे ताकि आप ज्यादा से ज्यादा जीतें। जंगली रमी के ऐसे काफी फीचर्स हैं जो आपके गेम को आसान और बहुत मजेदार बना सकते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि हर प्लेयर का एक अपना यूजर नेम और अवतार होता है। हर प्लेयर को 13 कार्ड्स दिए जाएंगे, 13 कार्ड दिए जाएंगे और एक कार्ड को वाइल्ड जोकर चुना जाएगा। जी हाँ। हाथ में कार्ड आते ही शॉर्ट बटन दबाने पर सभी कार्ड्स सेम सूट में अरेंज हो जाएंगे। इससे आप अपनी स्ट्रेटजी के अनुसार सेट्स, सीक्वेंसेस और प्योर सीक्वेंस में ग्रुप कर सकते हैं। दोस्तों, आप ग्रुप फीचर की मदद से जैसे चाहे वैसे अपने नए कार्ड या कार्ड्स के ग्रुप बना सकते हैं। 2 या अधिक कार्ड टैप करने से आपको ग्रुप बटन दिख जाएगा। ग्रुप बटन दबाने पर आपके द्वारा चुने गए कार्ड एक नए ग्रुप में अलग हो जाएंगे। अगर आपको कोई हैंड ना खेलना हो, आप कोई हैंड नहीं खेलना चाहें, तो ड्रॉप बटन दबाकर वो हैंड छोड़ सकते हैं और अगले हैंड का इंतजार कर सकते हैं। इसके लिए केवल 20 पॉइंट्स देने होते हैं। और दोस्तों, ये गेम एंटी क्लॉकवाइज चलता है। जैसे ही आपकी बारी आएगी, आपके अवतार पर 30 सेकंड के लिए एक घड़ी चलना शुरू करेगी और इन 30 सेकंड्स में आपको एक कार्ड उठाना है और फेंकना है। और अगर ऐसा ना करने पर आपकी चांस खत्म हो जाएगी और अगले प्लेयर की चांस आ जाएगी। कार्ड उठाने के लिए आपके सामने 2 डेक होंगे। एक होगा वो क्लोज डेक, यहां टैप करके आप एक अनदेखा कार्ड ले सकते हैं, और दूसरा होगा ओपन डेक, जहां हर प्लेयर के फेंके हुए कार्ड खुले होंगे। यहां टैप करके आप सबसे ऊपरी कार्ड ले सकते हैं। अपना कोई भी कार्ड डिस्कार्ड करने के लिए उस पे टैप कीजिए और फिर डिस्कार्ड बटन दबाइए। अगर आपके सारे कार्ड्स गेम के रूल्स के हिसाब से सीक्वेंस और सेट्स में अरेंज हो गए तो फिनिश बटन दबाकर आप डिक्लेयर कर सकते हैं। ऐसा करने पर आपके सामने एक स्कोर बोर्ड पेश होगा और इस स्क्रीन पर आप सभी प्लेयर्स के हैंड्स देख सकते हैं। जीतने वाले प्लेयर के आगे हमेशा लिखा होगा विनर। प्लेयर्स के हैंड के बगल में पॉइंट्स और उनकी हारी या जीती हुई रकम भी यहां आपको नजर आ जाएगी। अगर कोई भी प्लेयर डिक्लेयर करता है तो आपको अपने कार्ड्स इस तरीके से अरेंज करने हैं कि सबसे कम पॉइंट्स मिले। ये करने के बाद आपको टाइमर के खत्म होने से पहले बटन दबाना है डिक्लेयर का। स्कोर बोर्ड पर आपको बेस्ट डिक्लेयर का बटन देखेगा। इसको टैप करने से आप ये देख पाएंगे कि आपने सही तरह से कार्ड्स अरेंज किए हैं या नहीं किए, और अगर नहीं तो ऐप ही आपको दिखाएगा कि किस तरह लोअर पॉइंट्स के लिए अरेंज किए जा सकते थे कार्ड्स। स्क्रीन में आपको डिस्कार्टेड पाइल्स के बगल में एक डबल एरो वाला आइकॉन दिखेगा। आप जब इस आइकॉन को टैप करते हैं तो एक विंडो खुलती है 2 ऑप्शंस के साथ, डिस्कार्ड्स और लास्ट टीम। डिस्कार्ड्स का ऑप्शन आपको वो सारे कार्ड्स दिखाता है जो कि राउंड में खेलने वाले हर प्लेयर ने फेंके हैं, डिस्कार्ड किए। लास्ट डील का ऑप्शन आपको पिछले राउंड के रिजल्ट्स दिखाता है ताकि आप अलग अलग प्लेयर्स के स्ट्रेटजी समझ सके। एड न्यू गेम पर आप टैप करके आप एक नए टेबल पर एक और गेम स्टार्ट कर सकते हैं। यानी भाई साहब, एक साथ 2 अलग अलग टेबल पर भी खेल सकते हैं। बिल्कुल, ज्यादा गेम्स का मतलब होता है ज्यादा मजा।
और ये तो बहुत बढ़िया है। आप मेन्यू बटन पर टैप करके गेम सेटिंग्स, नेटवर्क कनेक्शन चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पर आप अपना बैलेंस, पॉइंट्स और बोनस देख सकते हैं। अगर आप फ्री गेम खेल रहे हैं तो आप सिर्फ अपना यूजर नेम, अवतार और नंबर ऑफ चिप्स देख सकते हैं। लेकिन अगर आप कैश का गेम खेल रहे हो तो आपको अपना डिपॉजिट अकाउंट बैलेंस और विड्रॉल बैलेंस दिखेगा। आप इन दोनों अकाउंट्स का टोटल देख सकते हो क्लियरली। तो मेहरबान कदरदार, देखा आपने जंगली रमी के टेबल पर खेलना कितना आसान है। तो दोस्तों, आज ही जंगली रमी खेलो, हर वक्त, कहीं भी, कभी भी, और जीतो लगातार।